और हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आ चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या कहने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम कहने वाले हैं कि माइनक्राफ्ट में शेडर्स कैसे लगाते हैं। तो माइनक्राफ्ट में शेडर्स कैसे लगाने, मतलब कि मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि माइनक्राफ्ट के शेडर्स कहाँ से लाने हैं, कैसे लाने हैं, ये नहीं बताना। जो मैं बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट में शेडर्स ला कर उसको कैसे एडजस्ट करना है अपने माइनक्राफ्ट में, और आपकी टेक्सचर पे कैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आज हम वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा और फिर नीचे स्क्रॉल करना होगा, ग्लोबल रिसोर्स पैक में जाना होगा। फिर आपको साइड में प्लस के बटन दिख रहा होगा, बीच के वाले में क्लिक करना होगा और देन यहाँ से कोई भी शेडर्स लगा सकते हो आप, जो भी शेडर्स डाउनलोड करा हुआ है। तो मैं यहाँ पर ऐसे जो भी शेडर्स लगाना है उसमें क्लिक करके यहाँ पर नीचे एक्टिव वाला बटन आ रहा है, इसमें क्लिक करना होगा और देन यहाँ पर देख सकते हो मेरा शेडर्स एक्टिव हो चुका है। और फिर मुझे फिर से बैक जाना होगा, प्ले के बटन में क्लिक करना होगा, फिर क्रिएट न्यू पे, फिर क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे, और फिर नीचे स्क्रॉल करना होगा, रिसोर्स पैक में जाओगे और फिर यहाँ पर आपको ये वाला बटन दिख रहा होगा, इसमें ऐसे क्लिक करना होगा और बहुत सारे शेडर्स आ जाएगा। और आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वहाँ पर जो भी शेडर्स लगाया था यहाँ पर वो ही शेडर्स लगाने, समझ गए ना। तो नहीं समझे तो फिर से वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पर साइड में एक्टिव बटन आ रहा है, एक्टिव कर देना, जो भी शेडर्स लगा था यहाँ पर वो ही शेडर्स लगा। जैसे आपको जाना है यहाँ पर, यहाँ पर जाके आपको सर्वाइवल खेलना है तो सर्वाइवल करो, क्रिएटिव खेलना तो क्रिएटिव करो, मैं क्रिएटिव करूँगा। तो अभी देखिए क्रिएटिव करना शेडर्स लगा चुके हो देख सकते हो। तो ठीक है, अभी के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट मेरे सर्वाइव सीरीज में।